हेलो बडी। तो क्रिप्टो फायर के एक और नए फेस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं एक और मीम टोकन के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा खासा साबित हो सकता है। तो अगर आप अभी भी क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो आप भी जल्द से जल्द क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने का मौका मिल पाए। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज मैं मीनू टोकन के बारे में बोल रहा हूँ। बहुत सारे मीम टोकन का प्रचलन चल रहा है, जब से जो है डोजी कॉइन का ट्रेंड आया था, तब से बहुत सारे मीम टोकन बढ़ रहे हैं। तो उसी में से एक ये भी है, जो कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें लगभग 98% के अपसाइड की मूवमेंट है। तो ये आपको लग रहा होगा, चल भाई तू एक दिन का देख के बता रहा है। तो मैं आपको अभी फुल डिटेल्स भी देने वाला हूँ, इसके पीछे का रीजन भी देने वाला हूँ। अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इसका टोटल मार्केट कैप आप जैसा कि देख पा रहे हैं, जितना भी हो आप जरूर से कैलकुलेट करके लिखिए, क्योंकि मेरी मैथमेटिक्स उतनी भी अच्छी नहीं है। तो ये डॉलर में, और यहाँ पे देख सकते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई, ये कि ट्रिलियन में सर्कुलेटिंग सप्लाई, ट्रिलियन में। पिछले कमेंट सेक्शन में बहुतों ने लिखा भी था, तो आपको भी लिखना है। तो ये कितने ट्रिलियन है कैलकुलेट करके आप इसे जरूर से लिखेगा। तो चलिए हम लोग काम की बात कर लेते हैं, ये सब मजाक की टर्म से। तो जैसा कि देख सकते हैं, 1 आवर में लगभग 7% की अपसाइड की मूवमेंट थी, 24 आवर में 98% की, और 7 डेज में 167% का, यानी कि पूरे जैसे आपने 1 रुपया लगाया तो आपका 1.5 रुपया प्रॉफिट, यानी कि टोटल 2.5 रुपये के हो गया। एक छोटे डेटा में हमने समझ लिया इसे। तो 14 डेज में जो है लगभग 44% की अपसाइड की मूवमेंट है। और ये टोकन क्या करता है, यहाँ से आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, P2P को स्नैप करता है, यानी कि P2P को ये जो है सपोर्ट करता है। बाकी जो बाइनेंस चेन जो इकोसिस्टम को भी ये सपोर्ट करता है। और यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगा, 24 आवर्स का रेंज इतने से इतने डॉलर के बीच में, बाकी ऑल टाइम हाई से अभी भी 58% की डाउन साइड मूवमेंट है, और ऑल टाइम लो यानी कि जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था लगभग 4204% की अपसाइड की मूवमेंट है। ठीक है, तो इससे आपको डेटा यहाँ का पता चल गया। यहाँ पे देख सकते हैं, द लोएस्ट प्राइस पर द मीनू टोकन वाज डॉलर, यहाँ पे रिकॉर्डेड किया गया फरवरी 7 को। बाकी यहाँ से देख सकते हैं कितना हायर मूवमेंट लगी हुई इसमें। तो चलिए यहाँ तक तो ये हमारा बेसिक फंडामेंटल था, क्या क्या हो सकता है इस कॉइन के बारे में डिटेल से हम लोग ने जान लिया। बाकी जो है यहाँ पे आपको मेन डेटा दिखेगा, चार्ट पैटर्न पर हम लोग देखने वाले हैं। चार्ट पैटर्न पे क्या होता है, अगर सबसे पहले यहाँ पे चार्ट पैटर्न पर आपको ध्यान रखना है, तो चार्ट पैटर्न पे जो है ये आपको लेवल दिख रहा है, कि ये लेवल जो है आपका, एक सेकंड, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा जो ये ट्रेंड लाइन है, ये अपसाइड की ट्रेंड के मोमेंट में है। बाकी ये मैं आपको अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर देता हूँ, वहां से भी जरूर से देख लीजिएगा। बाकी ये देखिए, ये हमारा रेसिस्टेंस लेवल था, इसमें जैसे ही अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, ये मार्केट अपसाइड की मूवमेंट थी, एक रिटेस्टिंग आया, फिर से मूवमेंट हुआ, फिर देखिए ये डाउन हुआ। बट ये जो डाउन हुआ, ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता जा रहा है। तो इसका मतलब अभी यहाँ टॉप पे अपर की एंट्री नहीं बन रही, एक और छोटा सा जिस तरह से इस तरह का करेक्शन आपको एक और देखने को मिलेगा। और जैसे ही ये हमारे ट्रेंड लाइन पे आता है, फिर यहाँ से एक अच्छा खासा और मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो मीनू टोकन का आई होप दोस्तों डाउट क्लियर हुआ होगा, कैसे मतलब कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे आपका सपोर्ट है, कहाँ पर रेसिस्टेंस है। अगर ये लेवल को ब्रेक कर देता है, तो ये यानी कि अपने सपोर्ट को तोड़ देता है, फिर मार्केट आपको यहाँ तक देखने को आने को मिल सकता है, जो कि लगभग 0.00000043 के आसपास है। तो ये आपका सपोर्ट लेवल है, नोट डाउन करके लिख सकिएगा। बाकी ये डॉलर में है, BNB नहीं, सॉरी BNB में, ये डॉलर में नहीं है, ये प्राइस जो BNB में कैलकुलेट हो रहा है, आप जिस किसी भी टोकन से इसको खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, सी यू, मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।